तुमसे छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह को बचपन से ही गायकी का शौक था। वे गुरुद्वारों में गुरबानी भी गाते थे। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड गोल्ड में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम भारतीय सिनेमा के यादगार गीतों और उससे जुड़ी दिल को छू लेने वाली अनकही दास्तान के साथ। वो तुमसे छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वो तुमसे छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। जगजीत सिंह एक ऐसे सिंगर जो अपनी गायकी से आपको यादों के झरोखे मिले जाते हैं। जगजीत सिंह के गायन को सुनने वाले लोग उसमें इस कदर डूब जाते हैं कि वो दुनिया की सुध-बुध ही खो बैठते हैं। जगजीत सिंह की गजल गायकी लाजवाब रही है। उनके फैंस उनकी गायकी को लेकर और उनकी गजलों में इस कदर खो जाते थे कि सुध-बुध ही नहीं रहती थी। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जगजीत सिंह जितने अच्छे गायक रहे उतने ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी। जी हाँ, जगजीत सिंह ने अपने करियर में कई फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। शायद आप ये बात पहले नहीं जानते थे। क्यों? तो यही है हमारा आज का किस्सा। वो तुमसे छू लो तुम। इसकी मिसाल 1981 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम गीत है। इमोशनल प्रेम कहानी प्रेम गीत बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जगजीत सिंह की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को सुदेश इस्सर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में राज बब्बर, अनीता राज और मदन पुरी लीड रोल में थे। फिल्म के गीत इंदिवर ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गाने थे। सभी जानते हैं कि जगजीत सिंह की गायकी का अंदाज एकदम अलग ही रहा है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, इस गाने को जगजीत सिंह ने जिस तरह से गाया वो इस फिल्म को एक अलग पहचान देने के अलावा लोगों के जहन में कुछ इस तरह से रचा बसा कि आज तक अपनी एक अलग जगह उसने लोगों के दिलों में बनाई हुई है। जगजीत सिंह जी का गाया हुआ ये गाना फिल्म प्रेम गीत से, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी होगा जो इसे पसंद नहीं करता होगा। ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड में ये अमर है ये सॉन्ग। बट उन्होंने सिर्फ इसको गाया ही नहीं है, ही ऑल्सो हैज़ कम्पोज्ड दिस सॉन्ग एंड जिसके बोल लिखे हैं इंदिवर जी ने। वेल एज अ सिंगर तो हम सब उनके फैन हमेशा से रहे हैं एज अ गजल सिंगर, बट मेरे लिए आई थिंक व्हाट रियली इज इम्पॉर्टेंट टू मी अबाउट जगजीत सिंह जी इज दैट ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट कम्पोजर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कम्पोजर्स आई हैव एवर हर्ड। सो दैट आई थिंक इज माई टेक ऑन जगजीत सिंह म्यूजिक। And but one thing, बचपन में हमें we've been fortunate, me and my sister, we've been fortunate कि हमको उनसे मिलने का काफ़ी सारा मौका मिला है। तो I remember on one such occasion उन्होंने हमें ये बात बताई थी, एक छोटी सी बात बताई थी कि बेटा learn to sing and not the song. So I think that has stayed on with me, you know how important कि गाने का, गाने के बोल सुर सब ठीक है लेकिन एक गाने में जान डालना कितना इम्पोर्टेंट है, दैट आई लर्न्ड फ्रॉम मिस्टर जगजीत सिंह। अब यहाँ जगजीत सिंह के बारे में जान लेना भी ज़रूरी है। जगजीत सिंह को बचपन से ही गायकी का शौक था। वे गुरुद्वारों में गुरबानी भी गाते थे लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वे बड़े होकर या तो इंजीनियर बने या IAS ऑफिसर। तो पढ़ाई के दौरान ही हॉस्टल के दिनों में उन्हें गायकी से जो इश्क हुआ ना, उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। उनका ये इश्क परवान चढ़ा और वो हम सबके दिलों में कुछ इतने गहरे रचे बसे हैं कि हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। जगजीत सिंह की इस गायकी के करियर की शुरुआत हुई प्रेम गीत से। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दे, ये रीत अमर कर दे। फिल्म प्रेम गीत रिलीज होते ही एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने अनीता राज और राज बब्बर की जोड़ी को सभी की नजरों में एक हिट जोड़ी बना दिया। अच्छा, अब इसमें भी एक कहानी है। अनीता राज की ये तीसरी फिल्म थी जिसे उन्होंने साइन किया था, यानी कि इससे पहले वो दो फिल्में और साइन कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि ये उन दो फिल्मों से पहले रिलीज हुई थी इसलिए ये अनीता राज की डेब्यू फिल्म बनी। इस फिल्म ने उन्हें खासी लोकप्रियता दिलाई, लेकिन इस फिल्म की पहचान तो वो गाना ही रहा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी यादगार गीत की अनकही दास्तान के साथ। नमस्कार। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां।